हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे ग्रैनुअल्स इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे क्या लेवल्स खरीदारी के बन सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अभी आपको दिखेगा कि स्टॉक ने हाई बनाया था ये वाला लगभग 2020 में दिसंबर में, उसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पाया है, ठीक है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन डाले यहाँ से, तो ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको स्टॉक ने ब्रेक किया, ठीक है। तो इसका तो अब मीनिंग ही खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक स्टॉक के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम जो लेवल कर रहा है, सपोर्ट का काम जो लेवल करेगा वो है 382 का, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो लेवल कर रहा है 404 का, यानी कि एक बहुत छोटी सी रेंज है। इस रेंज में स्टॉक अभी आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर आप नजर डालेंगे तो आप डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या इसमें खरीदारी करें या इसको अवॉइड करें, उस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो हम आ गए हैं अब स्टॉक में, करंट स्थिति में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्टॉक यहाँ पे इस रेंज में लगभग और एक 1 वीक ट्रेड कर सकता है, ठीक है। 1 वीक ट्रेड करेगा और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं इसमें, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। जो रेंज है अभी 388-385 की, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और 379 रुपए का SL लेकर के स्टॉक का में आप एंट्री ले सकते हैं 379 के SL के साथ, ठीक है। टारगेट आपका 438 तक का होगा और 438 के बाद और भी टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है स्टॉक 600 रुपए तक जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 438 का टारगेट है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।